एक्सपो के बारे में आप बताइए कि यहाँ आके आपको कैसा लगा एजुकेशन? बड़ी अच्छी एजुकेशनल एक्सपो थी और यहाँ पे इस तरह की एक्सपोज होनी चाहिए और होती रहती हैं। और ये भी देख के खुशी हुई कि यहाँ एक्सपो सेंटर में एक्टिविटी बड़े अच्छे तरीके से चल रही है, ना सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड पर ऑल एक्सपोज और रिलेटेड जो और डिपार्टमेंट्स की भी यहाँ पे और फेस्टिवल्स और एक्सपोज यहाँ पे होती रहती हैं। आज की एक्सपो जो थी वो एजुकेशन से रिलेटेड थी और उसमें हमारे स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स बड़ी इंफॉर्मेटिव थी। और वो जिस तरह यहाँ पे स्टॉल्स पे मैं फिरा, मैंने देखा कि जिस तरह स्टूडेंट्स ने यहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर की और डेफिनेटली वो उनको हेल्प करेगी आगे जो उन्होंने अपनी फर्दर स्टडीज़ जो कंप्लीट करनी है, हायर एजुकेशन जो कंप्लीट करनी है, आला तालीम हासिल करने के लिए। तो इस तरह की एक्सपोज से आगे हमारे यंगस्टर और स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी नॉलेज गेन करते हैं और वो उनको फिर हेल्प करती है कि जब उन्होंने आगे अपना किस तरह परफॉर्म करना है अपनी लाइफ में। ये सर, पंजाब गवर्नमेंट के मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के लिए जो पिछले प्रोग्राम से जो बड़ी कामयाब रहे लैपटॉप और दूसरे, अब पंजाब गवर्नमेंट कोई नया प्रोग्राम देखें? इस वक्त तो हमारी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड है, लैपटॉप स्कीम है, नए अभी फ़िलहाल तो नहीं, हम इन्हीं प्रोग्राम्स को बेहतर तरीके से उसका दायरा बढ़ाते चले जा रहे हैं। जैसे एंडोमेंट फ़ंड था, अब 35,000 स्टूडेंट्स हैं, अगले साल 40,000 होंगे। फिर एंडोमेंट फ़ंड से हम स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजना, जो इस साल हमने 20 स्टूडेंट्स को भेजा, अगले साल 50 को भेजेंगे। तो ये सिलसिला इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। थैंक यू।